हेलो गाइस, चलिए क्लास स्टार्ट हो गया है गणित की। चलिए गणित की क्लास स्टार्ट हो गया है। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए सब्सक्राइब कर लिए ना चैनल को जी। चलिए जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली आपको गणित की क्लासेस होगी, जो कि आगामी एग्जाम छात्रावास अधीक्षक चपरासी भर्ती है ना प्यून की मंत्रालय द्वारा जो हो रहा है उनके लिए क्लासेस है। और आने वाला देखिए ग्रुप डी का जो कि जुलाई में होने वाला है उनके लिए खास तौर पर आपको कराया जा रहा है। तो चलिए पहला क्लास है। हाँ बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। गणित की क्लास है, कल से स्टार्ट हो चुका है, ये सेकंड क्लास है, ठीक है। चलिए पूछा गया है प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 5, 7, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 3, 5, 10 तथा 13 शेष बचे। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 5, 7, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 3, 5, 10, 13 शेष बचे बोला गया है। तो क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले 5 और 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार 7 में 5 घटाएंगे तो फिर 2 आ जाएगा। फिर 12 में 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 15 में 13 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि शेष कितना बच रहा है आपके पास, 2 बच रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं, चलिए इसको नोट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारा 2 आ गया है। कैसे आया है, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी बोला गया। तो देखिए मैं आपको बताया हूँ कि 5 में 3 को घटाओगे 2 बच रहा है, उसी प्रकार 7 में 5 घटाएंगे 2 बच रहा है, 12 में 10 घटाएंगे तो 2 बच रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 15 में 13 घटाएंगे तो 2 बच रहा है। तो 2 को हम नोट कर लिए, चलिए 2 को नोट कर लिए है ना, यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इनका लघुत्तम निकालेंगे, 5, 7, 12, 15 यानी कि इन सभी का लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। चलिए 2 को नोट कर लेते हैं, यहाँ पर हमने 2 को नोट कर लिया है, 5, 7, 12, 15 का लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब चलिए निकालते हैं 5, 7, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए 5, 7, 12 का एलसीएम निकालेंगे, 5, 7, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तब इसको एलसीएम निकालेंगे 3 से कर लेते हैं, 3 से भाग कर लेते हैं तो 5 का 5 वही रहेगा, 7 का 7 वही रहेगा, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको गुणा कर देते हैं, ये तो सब विषम विषम संख्या आ गया है तो डायरेक्ट हम इसको गुणा कर देते हैं। चलिए एक बार 5, 5 है तो एक बार 5 से कर देते हैं, 5 एकम 5 ये 7, ये 4 का 4 ये 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ पर आ गया 5 एकम 5। चलिए अब सभी का गुणा कर लेते हैं, 5 3 15 ये वाला हो गया, ठीक है। ठीक है ये तो आ गया है ना, यहाँ से ये 3 है और ये 5 है। अब 5 3 15 और 15 7 105 और 105 को 4 और 1 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 105 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ एक मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है एक मिनट। देखिए यहाँ पर तो 3 है, ये 5 है, तो क्या कर 5 3 15 हो गया, 15 उसके बाद गुणा करेंगे किसे, 7 चौक 28 से, 15 और 28 का गुणा करें कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा 2 तो बच रहा था पहले से, ये हमारा 420 आ गया है, और माइनस कितना बचा था शेष 2 ये वाला, तो इसको इससे घटा देंगे कितना आ जाएगा, 418, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, 418 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, द वाले में, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 418। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं फिर से बताऊँगा इसको अगले वीडियो में आपको, ये वाला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता दूंगा। चलिए ओके, अगला सवाल है हमारा, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर क्रमशः 10, 18 और 50 पत्थर शेष बचते हैं तो इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। ये भी वही सवाल है पहला जैसा, हाँ पहला जैसा। देखिए 32, 40,
72 पर क्रमशः 10, 18 और 50 को घटा देंगे, ठीक है। इसमें क्या घटाएंगे, 10 घटा देंगे, इसमें क्या घटाएंगे, 18 घटा देंगे, इसमें क्या घटाएंगे, 50 घटाएंगे। जब इनमें 10 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। उसी पर 40 में 18 घटाएंगे फिर 22 आ रहा है। उसी पर 72 में 50 घटाएंगे तो 22 आ रहा है। यानी कि इसका शेषफल कितना आ रहा है हमारा, 22 आ रहा है, ठीक है। ये हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद 32, 40 और 72 का एलसीएम निकालेंगे। तो 32, 40 और 72 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 32, 40 और 72 के एलसीएम निकालेंगे, दो से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो से भाग करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 या 16 दूनी 32, ठीक है। और ये 20 दूनी 40, इसके बाद ये 36 दूनी 72, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से भाग करेंगे तो 4 से जाएगा, 4 से 4 चौं 16, 4 पंचे 20 और 4 निया 36, ठीक है। अब देखिए, अब डायरेक्ट इसको गुणा कर देंगे। अब इन सभी को आपस में गुणा करेंगे जो गुणनफल आया है, अगर उन सभी को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, चलिए बताइए। इन सभी का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारा 1440 आ जाएगा, ठीक है। अब 1440 में क्या घटाएंगे, -22 घटाएंगे। इन सभी में जो लघुत्तम आया है हमारा 1440, उसको -22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1418, ठीक है। ये हमारा आंसर आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, स हो जाएगा इसका आंसर। जो कि इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं, तो कितने पत्थर हैं, 1418 पत्थर हैं, ठीक है। डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली आपको क्लासेस कराया जाएगा गणित की। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रुप डी के लिए। कौन से एग्जाम में पूछा गया है, ग्रुप डी के लेवल में पूछा गया है यही क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आता है रेलवे में, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक में, मंत्रालय भर्ती में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 9, 9, 9 या 9, यानी कि 9999, 4000 चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है। अब इसमें क्या बोला गया है, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि ऐसी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से विभक्त हो, तो वो कौन सी संख्या है, तो चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। तो डायरेक्ट हम एलसीएम निकालते बैठे रहेंगे तो लेट हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी का एलसीएम हमारा हो जाएगा 540, ठीक है। अब इसी संख्या से इनको भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे, चार अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या को 540 से भाग करेंगे। तो चलिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 9 और ये 9, इनको 540 से भाग करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग सॉल्व करोगे, इसका आंसर आप बना के दोगे, ठीक है। कैसा आएगा, मैं आधा सॉल्व करके दे देता हूँ आधा, और मैं इसके आगे प्रोसेस बता देता हूँ क्या करना है आपको। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये आपको लोग आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यह क्वेश्चन आपसे नहीं बनता तो मैं वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। देखिए, अगर 540 भाग देना तो आता ही होगा ना आप सभी को, 540 से भाग दोगे एक बार में, तो 540 को ऐसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए 9 में 0 के 0 तो ये 9 उतार दिए, 9 में 4 गए 5 और 9 में 5 गए 4, और यहाँ से एक 9 बच रहे तो इसको ऐसे उतार देंगे। उसी प्रकार आपको भाग देना है, ठीक है। जितने बार में भाग देना है, अगर इससे छोटी संख्या आ जाता है, जो शेष फल यहाँ पर आएगा उसको किससे घटाना है, यहाँ से 9, 9, 9 और 9 से आपको घटा देना होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए अगर इन सभी को आप सॉल्व करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा 9720। ठीक है, लेकिन इसको आप सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो देखिए सॉरी अगर यह क्वेश्चन आपसे नहीं बनता तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसको सॉल्व करके ज़रूर बताएं कमेंट में कि ये किस प्रकार बनेगा। मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 और ये 9 है। ठीक है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई है, जो कि इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 540 आ जाएगा, और 540 को इससे भाग करोगे जो शेषफल आएगा, जो शेषफल बचेगा है ना, यानी कि 540 से जो कम रहेगा वो 540 से भाग नहीं जाएगा, वही आपका शेष रहेगा, और शेष में जो भी आएगा उसको इन सभी 9 9 से आपको घटाना होगा, यानी कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से आपको घटाना होगा, और वही संख्या यानी कि वही संख्या आपका उत्तर होगा। अब कौन सा उत्तर, कौन सा कितना शेष बचेगा मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, कितना शेष बचेगा, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस प्रकार बनेगा सर करके, मैं बिल्कुल समझ जाऊँगा। ठीक है, इसका शेष कितना आएगा, 180। ठीक है, अब 180 सॉरी इसका शेष ना, बिल्कुल 180 इसका शेष आएगा। तो क्या करोगे, चार अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 दिया गया है, तो इनको इससे घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 9720, ये आपका आंसर आ जाएगा, इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, ये बी आंसर होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा ये तीसरा क्वेश्चन, तो एक बार मैं फिर से वीडियो में बता दूंगा। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो यस करके लिख दीजिएगा कमेंट में, क्या लिखोगे, यस।